अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अहमद है और आप देख रहे हैं एनवी एनिमेटर। जैसा कि आप लोगों को बताता जाऊं कि मेरे इस चैनल पर ब्लेंडर की सीरीज चल रही है, उसकी 13 एपिसोड अपलोड हो चुकी हैं। आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम किस तरह एक सिंपल सा कैरेक्टर को क्रिएट किया जाता है और उस पर किस तरह टेक्सचर अप्लाई किया जाता है, और लास्ट में हम उसको देखेंगे हम किस तरह उसे एनिमेट भी करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और इस वाली स्क्रीन की इसको ऑन करेंगे ताकि जो भी कुछ मैं क्लिक करूँ वो यहाँ पे आपको शो होने लगे। तो हमारे पास ये वायर फ्रेम एक क्यूब है, इसी को एडिट मोड में लेके आना है। एडिट मोड में लेके आकर और इसे हम सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ हमें एक वर्टेक्स चाहिए तो बाकी वर्टेक्स को डिलीट करेंगे। इसे हम डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास एक वर्टेक्स बाकी रह गया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और सिलेक्ट टू कर्सर को क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम 1 को प्रेस करेंगे और फ्रंट पे जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कुछ मॉडिफायर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक मॉडिफायर को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे से मॉडिफायर में अंदर जाके और सबसे पहले हम इसको मिरर करेंगे। ओके, मिरर करके यहाँ पे हमारा मार्जिन है 0.1 करेंगे। ओके, अगेन हम मॉडिफायर में जाएंगे, यहाँ पे हम दूसरा मॉडिफायर को इस्तेमाल करेंगे स्कैन, इसको क्लिक करेंगे और अगेन हम दोबारा मॉडिफायर में जाके यहाँ पे इसको सरफेस ऐड करेंगे। ओके, सरफेस ऐड करेंगे। उसके बाद हम व्यू कोड में जाएंगे, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देंगे। ओके, तो अब हम ये जो हमारा शेडिंग व्यू पॉड है इसको हम क्लिक करेंगे और हम टूगल एक्सरे को ऑन कर देंगे। तो अब हमारे लिए ये जो छोटा सो सर्किल है, एक मॉडल है, वो अब कार्टून कैरेक्टर के लिए रेडी हैं। अब इसकी मदद से हम कार्टून कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे जेड एक्सिस पे, जी और जेड को प्रेस करेंगे जेड। ओके, तो अब हम इसे क्रिएट करेंगे, ई को प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। अगेन हम ई को प्रेस करेंगे, और अगेन ई को प्रेस करेंगे। ओके, अब हम 3 को प्रेस करेंगे, राइट साइड देखेंगे और ई को प्रेस करेंगे। ये हमारा पैर है, पैर को हम क्रिएट करेंगे और दोबारा 1 को प्रेस करके हम फ्रंट मोड में आ जाएंगे। अब हम इसी को सिलेक्ट करके आगे की तरफ लेके जाएंगे जेड एक्सिस पे, यहाँ पे। अब हम इसके शोल्डर बनाएंगे, दोबारा ई को प्रेस करेंगे, ये इसके शोल्डर है, और अब इसके बाजू बनाएंगे, और ये इसके बाजू है। अब हम इसके फेस के ऊपर जाएंगे, दोबारा ई को प्रेस करेंगे जेड एक्सिस पे,
अगेन ई को प्रेस करके जेड एक्सिस पे, ठीक है। अब हम कंट्रोल आर प्रेस करके एक यहाँ पे हम लूप कट लगाएंगे, सॉरी कंट्रोल आर, और इसको डुप्लीकेट करेंगे, अब दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे और ऊपर वाले को थोड़ा सा नीचे कर देंगे जी प्रेस करके, ठीक है। अब राइट साइड जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो है इसको हम अंदर की तरफ लेके जाएंगे ताकि ये फेस की जगह लगे, ओके। तो इस वाले को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इसकी थोड़ी सी पहाड़ी जो है वो इस तरह करेंगे, और ये वाला भी इसको भी कंट्रोल ए प्रेस करके और इस तरह करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके इससे भी थोड़ा सा इस तरह करेंगे, ओके। तो ये कैरेक्टर हमारा जो है रेडी है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करेक्टर, तो समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा इसको भी वो करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके और इसको थोड़ा इस तरह करेंगे, ओके गुड। अब हमें बाजू बनाने हैं, ठीक है। बाजू बनाने के लिए सबसे हम टॉप व्यू पे जाएंगे, टॉप व्यू पे जाके और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा, और इसको हम एक, ये हमारी फिंगर्स हैं, इसको हम फिंगर बनाएंगे दोबारा ऐसे क्लिक करके इस तरह, और ये 5, ठीक है। अब इन पांचों को सिलेक्ट करेंगे और ए प्रेस करेंगे, सॉरी इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, और अब ई को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो फिंगर्स हैं, इस वाली को जी प्रेस करके यहाँ पे सेट करेंगे, थोड़ा सा ओके। तो अब हम फ्रंट व्यू भी जाएंगे, तो लाए हमारे पास ये जो इसके बाजू हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसका जो पैर हैं, इसका जो फेस है वो गोल है, अब थोड़ा सा इसको हमें तिरछा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके और इसको यहाँ पे इस तरह करेंगे, ओके। अब हमें फेस बनाएंगे, फेस के लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इस एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, हमने जितने भी मॉडिफायर अप्लाई किए थे वो
मॉडिफायर लगाए थे उस सारों को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, जितने भी मॉडिफायर है उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है ठीक है, तो हम इस जो गूगल एक्स रहे हैं इसको अनचेक कर देंगे। तो अब हम आएंगे एडिट मोड में, टैब को प्रेस करेंगे और ए को प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके सब डिवीजन करेंगे। ओके, अब हमें इसकी जो आइज हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले जो ये हमारा फेस है, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस चारों को सिलेक्ट करके और नम पैड को, और थ्री हमारा जो नम पैड है उसका थ्री बटन है उसको प्रेस करेंगे। तो अब हम इसको ई प्रेस करेंगे और वाई, और हम वाई एक्सिस पे इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, दोबारा वन को प्रेस करेंगे, फ्रंट पे आ जाएंगे और हम इसको एस प्रेस करके और इसको थोड़ा स्केल करेंगे ताकि थोड़ा अंदर की शेप लगे। अब हमें इसका जो है माउथ है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक नाइफ टूल लेंगे। तो इसको हम यहाँ से कट देंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे और यहाँ तक, और इसको कर देंगे इंटर। तो हमारे पास ये दो फेसेस बन चुके हैं। अब इस फेसेस को सिलेक्ट करेंगे इस तरह, अब थ्री को प्रेस करेंगे दोबारा, सॉरी थ्री, और इसको एक्सट्रूड करेंगे अंदर की तरफ, ई और वाई प्रेस करेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक साइड पे बना रहा हूँ, दूसरी साइड में इसको मिरर करूँगा, यानी कि इसको सिमिलर करूँगा। ठीक है, फिलहाल हम एक तरफ साइड बना रहे हैं। तो अब हम नोज बनाएंगे, दोबारा हम नाइफ टूल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे कट देंगे। यहाँ तक, ओके, तो अब इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास ये भी फेसेस हो चुके हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और थ्री प्रेस करके, और हम दोबारा अब हम इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, ई प्रेस करके और आर प्रेस करेंगे, इसको रोटेट करेंगे ताकि ये नोज लगे। ओके, दोबारा फ्रंट पेज में आएंगे। अब हमें इसे सिलेक्ट करना है, आर सिलेक्ट, ओके, और इस मेश में जाके यहाँ पे हमारे पास हैं सिमिलाइजेशन, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे अंदर जाके यहाँ पे हम जो डायरेक्शन है इसको प्लस एक्स टू एक्स करेंगे। तो देखें अब हमारी जो हैं वो एक्सट्रूड हो चुकी हैं, दोनों तरफ बन चुका है हमारा कैरेक्टर। ये अभी आप लोग इस तरह लग रहा है, जब हम इसको स्मूथ करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा कैरेक्टर दिखने लगेगा। ओके, तो अब हम इस माउथ को देखेंगे। तो ये हमारे पास ये फेस ज़्यादा आ चुका है, इसको डिलीट करेंगे, डिलीट, फेस डिलीट हो चुका है। इसको भी हम सेट कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम जो हमारे ये इसको सिलेक्ट करेंगे और वायर फ्रेम में जाएंगे और थ्री को प्रेस करेंगे साइड व्यू में। अब हमें थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करना है, ई प्रेस करके पीछे की तरफ और स्केल करके थोड़ा बड़ा करेंगे और दोबारा ई प्रेस करके और इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेंगे। ओके, तो अब हम
फ्रंट व्यू में जाएंगे जी। अब हमारा जो है करेक्टर रेडी है, अब हमें इसे थोड़ा सा स्मूथनेस करनी है, तो एडिट मोड से बाहर आएंगे और यहाँ पे मॉडिफायर में जाके यहाँ पे जो सब डिवीज़न है उसको स्मूथ करेंगे। इसकी जो नाक काट रही है इसको हम बाद में देखेंगे। ओके ओके, तो अब हम इसके जो आइज़ हैं उसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारा कर्सर टूल है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट ए प्रेस करके एक यूवी स्पेल लेंगे, यूवी स्पेल लेंगे और आर प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक। और इसको हम छोटा करेंगे, व्यू में देखेंगे, सही है, गुड। स्केल करके और इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ओके सही, अब हम इस तरफ भी इसी सेम इसी को यहीं लेके आना है, तो हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे मॉडिफायर में जाके यहाँ पे मिरर है, मिरर को क्लिक, इसको स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ओके ठीक है, तो ये हमारे आईज बन चुके हैं। अब इसके हेयर्स बनाने हैं, हेयर को क्या करेंगे हम एडिट मोड में आ जाएंगे और 7 को प्रेस करके टॉप व्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो इसके हेयर्स हैं इसको कंट्रोल और नम पैड का जो प्लस बटन है उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट करता जाएगा। ओके जी, तो अब हमें इसे सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हम एक तो इसका शॉर्टकट है पी, अगर पी को प्रेस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है सेपरेट हो जाएगा। ओके अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी सेपरेट है, तो इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेपरेट बन चुका है। ओके गुड, इसको अब हम पार्टिकुलर में जाके यहाँ पे इसे हेयर में जाके यहाँ पे इसको हेयर देंगे, ठीक है। अब इसको हम 50 कर देते हैं, 15 और 50,000, और इसकी जो हेयर्स लेंथ हैं 0.1 करेंगे, तो इसके जो हेयर्स हैं वो बन चुके हैं। अभी थोड़ी रियलिस्टिक नहीं लग रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास फिज एडवांस है, एडवांस को क्लिक करेंगे और हमारे पास ये फिज़िक्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ब्राउन नेन है इसको हम करेंगे 0.1, तो हमारे पास ये जो इसके हेयर्स हैं वो आ चुके हैं। ओके अब हमारी बात आती है, अब हम इस करेक्टर को कलर किस तरह देंगे, इसका स्किन कलर और इसके क्लॉथ का कलर या टेक्सचर किस तरह अप्लाई करते हैं। बॉडी को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम मटेरियल में जाएंगे, मटेरियल में हम इसको प्लस करेंगे, प्लस करके इसको न्यू करेंगे, न्यू करके इसका जो बेस कलर है इस बेस कलर को हम बॉडी का कलर देंगे, सारे बॉडी का, और ये हमने कलर चॉइस किया है और इसको हम टैब प्रेस करेंगे और ए प्रेस करके इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे हम असाइन कर देंगे, तो ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। आप यहीं से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके अब हम एडिट मोड से बाहर जाएंगे, इस हेयर को कलर देंगे, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और जो इसका कलर है इसको ब्लैक करेंगे, थोड़ा सा मेटालिक भी कर देंगे।
जी, अब हमारी जो आईज हैं, अब आईज को कलर देना है। इस आईज को क्लिक करेंगे, वन प्रेस करके फ्रंट पेज भी आ जाएंगे और वायर फ्रेम में जाओ और सॉरी एडिट मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे इसको इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हमारा जो कीबोर्ड का नम पैड है, कंट्रोल प्रेस करके हमारा जो कीबोर्ड का नम पैड है उसका जो प्लस बटन है उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको हम कलर देंगे, इस वाले में कलर में जाके और यहाँ पे न्यू करेंगे, न्यू का कलर इसको ब्लैक करेंगे। इसको दोबारा प्लस करेंगे तो ये हमारा वाइट होगा, ये जो हमारा जो वाइट है, और इस वाले को हम ब्लैक करेंगे, इसको ब्लैक करेंगे और इसको हम असाइन करेंगे, ठीक है, असाइन हो गया। अब हम दोबारा इस वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे और इस पर प्लस दोबारा से कलर देंगे, कुछ इस टाइप असाइन करेंगे, तो ये हमारे जो है इसको भी कलर आ चुका है। अब हमारी बात आती है बॉडी, इसको हम कपड़े किस तरह पहनाएं, कपड़ों का कलर किस तरह दिया जाता है, अब हम वो सीखेंगे। तो इस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और एडिट मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे फ्रंट वन को प्रेस करेंगे, फ्रंट में आ जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे वायर फ्रेम में आके और हम कंट्रोल नम पैड का जो प्लस बटन है उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होता जाएगा। ओके, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब कंट्रोल को प्रेस करके बैठेंगे और थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे ताकि ये हमारा जो यहाँ पे सेट हो। ओके, तो इसको सिलेक्ट करके अब मटेरियल में जाएंगे, यहाँ पे हम प्लस दोबारा प्लस करेंगे और यहाँ के इसको प्लस करके और यहाँ पे न्यू करेंगे और इसको हम कलर देते हैं रेड, रेड या ग्रीन कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं। ओके, और इसे असाइन करेंगे। तो ये इसका कलर भी रेडी हो चुका है। फाइनली जो हमारा है वो कैरेक्टर, इसको आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसे कलर दे सकते हैं, ठीक। तो फाइनली जो हमारा कैरेक्टर है वो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर रिगिंग करेंगे कि इस किस तरह कैरेक्टर को रिगिंग की जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ।